सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा आज हमारे घरों में आज जो आशीष और बरकत दिया है और आज आपने हमें जो सुरक्षित रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ईशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है, आज हमें बहुत बड़ी आशीष दी है, आज परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां इस समय वचन को और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आए, बरकत आए और वो रिसीव करने पाए और हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार के जो आज टेंशन है, आज जो डिप्रेशन में है, आज बहुत बड़ी चिंता में है कि आज ये मेरा काम नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा है, तो यदि आज हमारा मन नहीं भटकता है तो परमेश्वर हमें वाकई हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से बहुत प्रेम करता है। आज वो आपके बच्चों से, आपके घर में, आपके परिवार से, आपके हर एक चीजों में, वो आपके हर प्रकार के बिजनेस में आपकी सहायता और मदद करता है, हर प्रकार के कार्यों में जो आप कर रहे हैं परमेश्वर आपको उसमें बड़ी आशीष और बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन आज मेरे प्रिय भाई बहनों सभी के लिए कहता है, परमेश्वर श्रापित है वह मनुष्य, या परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ये हमारे लिए कितना जरूरी है। आज हमें बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास है, आज संसार के लोगों के ऊपर विश्वास है, जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे की लालच में रहते हैं, एक कोई भी व्यक्ति बिना फायदा के लिए आपका कार्य नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तूने उस पर भरोसा किया लेकिन आज तेरा मन भटक गया है, तूने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज इस बात को याद रखना, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, क्योंकि आज हमें जो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है वो खुदावंद हमारे घरों को सुरक्षित रखने वाला है। क्या मनुष्य आपकी कोई सहायता करेगा? आपने देखा होगा आपके घर में, परिवार में, आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस के लोगों में, आपके रिलेशन में बहुत सारी चीजें आपने ऐसी देखी होगी, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपके पास हजारों लोग होते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये किसी के पर्सनल लाइफ से नहीं है, लेकिन सभी के जीवन में ऐसा होता है, हर एक मनुष्य भाई के जीवन में होता है, हर एक बहन के जीवन में होता है, हर एक विश्वासी के जीवन में होता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसके जीवन में भी होता है। ये पूरे मनुष्य के संसार के साथ ऐसा ही चलता है, और ये धरती और पृथ्वी के लोग ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जब कहता है कि तू मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा विश्वास के साथ, लेकिन उसमें देर लगती है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य आपके सामने दिखेगा, उसने आपको झूठी तसल्ली दे दी, या हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो वाकई में मदद करते हैं, आप लोगों की, सभी लोगों की, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके लिए नहीं। तो परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है, जिस पुरुष ने दूसरे मनुष्य पर भरोसा किया है और उसने उसका सहारा लिया है, सहारा लेना बुरी बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, लेकिन जब आपको वो धोखा दे देता है तब आप परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप भरोसा और विश्वास रखिए, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। वो खुदावंत का वचन आज आपके लिए, आपके घर के लिए यही कहता है। वह निर्जल देश में जिस तरीके से अधम पेड़ के, जिस तरीके से बहुत सारी बातें सामने हमारे आती रहती हैं, कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन जिस तरीके से अनेक प्रकार की बातें, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, इसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा नदी के किनारे जो लगाया जाता है, उसकी जड़ तो जल में फैल जाती है, लेकिन उसके पास जब धूप जाती है उसको ना किसी प्रकार के उसके ना पत्ते मुरझाते हैं, ना किसी प्रकार की सूखते हैं, बहुत अधिक वर्ष तक वह जीवित रहता है। लेकिन यहीं पर परमेश्वर का वचन कहता है
है, मनुष्यों के लिए ऐसा ही है। यदि आज हम भरोसा और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने चलते हैं तो हमारे जड़ कभी खराब नहीं होंगे, पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में फल नहीं लगेगा, लगेगा क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को साफ रखो और भरोसा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो ताकि परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, वो आपको देख सके। और परमेश्वर का वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये बात हमें याद रखना है, मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। अभी एक सेकंड आपको नहीं लगेगा, पलक झपकते आपका मन बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको कंट्रोल में रखना हमें जरूरी है, क्योंकि मन ही हमारा, यदि मन को अपने आप को हमने कंट्रोल कर लिया तो परमेश्वर का वचन कहता है तुमने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम रखा, प्यार रखा, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख है, बहुत सारे दुख के कारण है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज भरोसा और विश्वास के साथ है तो समझदार बनाऊंगा मैं तुझे, मैं यहोवा हूं, मैं मन की बातों को खोजता हूं और जानता हूं, हृदय की बातों को मैं अच्छी तरीके जांचता हूं, क्योंकि वो जानता है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर यदि जीवित रखता है, आज हमारे जीवन में भले टेंशन हो, बीमारियां हो, समस्याएं, दुख हो, परेशानियां हो, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में है, सभी के जीवन में है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, अपने मन को भटकने नहीं देना है। विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां और बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ज्यादा से ज्यादा सहायता करें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपको आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके, हम सभी लोग एक साथ मिलकर चल सके ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर प्रकार की जो मुश्किल समय चल रहा है, आज वो हर प्रकार की समस्याएं जो आपके घर में हैं, आज खुदावंद के वचनों में विश्वास और भरोसा के साथ आज जो प्रार्थना और विनती और दुआ कर रहे हैं, खुदा आज आपके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को निकालने जा रही मसीह के नाम से। हालेलुया। सत्यम 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 मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आज जो मेरी बहनें हैं, आज जो भाई हैं, आज जो अपने जीवन से बहुत हताश है, निराश है, परेशान है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जो आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, आज उनके घरों में हर चीज को पूरा करने वाले आप हैं, आज उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सत्कलम 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 मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो मसीह भाई बहन आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो हताश है, निराश है, अपने जीवन से, अनेक प्रकार की परेशानियों से, बहुत सारे दुखों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज कर किसी वक्त आज उनके घरों में जो आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बहनें रोती हैं, आज जो भाई परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर जो उदास मन आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, वो आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर आपके सामने रखता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के आज उनके बच्चों को, आज उनके बेटे और बेटियों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल इसी वक्त आज इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, आज जिनके पासपोर्ट नहीं बन रहे, आज जिनके वीजा नहीं लग रहे यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ लगने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज जिनकी नौकरी और जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, और जिनको नहीं लग रही यीशु मसीह के नाम से, और जिनके पास नौकरी है पिता परमेश्वर उसको बढ़ोतरी देकर पिता परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक चीजों में पिता आज उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज मेरी जितने बहनें हैं, आज जितने भाई हैं, आज सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके आज अपने मन की बातों को कहे, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, आज आपके घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, उसके लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक कामों में उन्हें सहायता मिले, आज उनकी मदद करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने काम किया है,
आज पूरे संसार के लोगों के जीवन में आप प्रभु ने जीवित रखते हैं, आज उनके घर को बचाने वाले हैं। जो आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया है, श्वास दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सत्कलप सत्कलप इस मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, आज जो गूंगी बहरी आत्माएं इस मसीह के नाम से, आज इस बहन के पेट में जो भी किसी प्रकार का दर्द है, कोप में है, पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से इसी वक्त आज वो दर्द जो है इस मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दे, इस मसीह के नाम से दूर, इस मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की समस्याएं हर बहनों के जीवन से जो पेट में इस समय दर्द है इस मसीह के नाम से वो निकल ले। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं किसी वक्त इस मसीह के नाम से निकल। हे परमेश्वर, आपने जिस तरीके से सारा के जीवन में आपने काम किया था, आपने जिस तरीके से अब्राहम के जीवन में काम किया था, आपने जिस तरीके दाऊद के जीवन में काम किया था, आपने जिस तरीके सुलेमान के जीवन में काम किया है और जिस तरीके आयुब के जीवन को आपने बचाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया और उन्हें बचाया है। आज वैसे ही आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने कामों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने हर चीजों के लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों में जो दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी बहनें जो आज आप रो रहे हैं, इस समय आपके दिल में दर्द यीशु मसीह के नाम से है, यीशु मसीह के नाम से आज आपके आंसू जो बहते हैं, आपको रोना नहीं है, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है। आज वो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके बेटे को, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखने वाला है। आज जिनके घर में आज बहुत सारी तंगी है, पैसों की कमी है, दिक्कत है, परमेश्वर सब कुछ पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना सुन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। आज जितने भाई हैं, आज जो प्रार्थना निवेदन और रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो व्हाट्सएप नंबर के द्वारा पिता परमेश्वर हम तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना, अपनी गवाहियों को, पिता आज उनके जीवन में इतनी आशीष दे, इतनी बरकत दे कि पिता आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए और छोटी छोटी भी गवाहियां परमेश्वर हम तक भेजते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आज उनके जीवन में आप काम करेंगे, उन्हें आशीष देंगे, उन्हें बरकत देंगे, उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त हर बहने अपने भाई जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की टीबी है, कैंसर है, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इसी वक्त उस पर हाथ रखें, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, और आज इसी वक्त आप आज्ञा दीजिएगा और उसके बाद उसको पानी पिलाइएगा, उसके जीवन से हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां उसके जीवन से निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज अपने हाथों में उठाइए यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दीजिए, हे सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पिता परमेश्वर जो आपने मुझे श्वासें दी है, जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, किसी भी चीज के लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो आपने पानी पकड़ा हाथ में यीशु मसीह के नाम से, उसको जरूर पिलाइएगा, देखिएगा उसके जीवन में कितने बड़े बड़े काम होते हैं। आज खुदावंद आज आपके घरों में बड़ी बड़ी आशीष और बरकत लेकर के आने वाला है। आज खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी आशीष और खुशियां देकर के जाने वाला है। आज पिता आपके जीवन में यदि आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यदि आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सत्यम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज इनके घरों में, इनके घर में, इनके शरीर में, इनके बीमारियों में, इनके शरीर अनेक प्रकार की समस्याओं में, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी प्रकार के हिस्से में पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार के जो प्राइवेट पार्ट यीशु मसीह के नाम से आज वो किसी भी प्रकार के दुख और परेशानियों से जूझ रहे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की समस्याओं के लिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा लहू के नाम से, आज जिस लहू के कारण हम सभी बचाए गए उस लहू के नाम से आज हम दुआ देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज इनके घर
घरों में खुशियां यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां रोगाड़ विषाणु इनके जीवन से निकल, दुष्ट आत्माएं गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और जो आपने हाथ में पकड़ा है यीशु मसीह के नाम से पानी, उसको अपने जिसके लिए आपने प्रार्थना किया, जिसके लिए दुआ किया है, उसको पिलाए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज किसी भी बीमारी के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने जो आज्ञा दी है और परमेश्वर ने जो आपकी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा। विश्वास और धैर्य के साथ आज प्रार्थना ग्रहण किए हैं आप, और सुबह शाम आप प्रार्थना करिए, और हमारे इस थैंक्स यीशु परिवार को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए, हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना विनती करते रहेंगे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है जो दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आज उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।